तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मानगो हाई फ्लाइंग पिजन क्लब का मीटिंग है और यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं। अभी और भी लोग आएंगे, ये कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं। मानगो हाई फ्लाइंग पिजन का वार्षिक मीटिंग जो आज था आज समाप्त हो गया और 21 और 23 मई शुरू हुआ। नहीं नहीं, वो जो मीटिंग जो हम लोग समाप्त हो गया जिस पे सहमति बनी है हम लोगों का, वो 21 और 23 मई है। जो उड़ान का डेट होगा वो 21 और 23 मई है और कुछ इसमें नियम सब भी हैं। नियम ये है कि कलरफुल होना चाहिए, किसी जो पार्टिसिपेशन हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका परिंदा जो है कलरफुल होना चाहिए, कलर लगा होना चाहिए और 8 परिंदा इसमें उड़ाया जाएगा। इसमें जो है टाइमलाइन जो है 0 आवर से शुरू है, जब से उड़ेगा उससे काउंटिंग 8 में काउंटिंग कितना है, उड़ान चालू है सुबह 6 बजे से और अगर किसी का परिंदा बैठ जाता है तो उनको 10 मिनट दिया जाएगा ताकि वो उड़ा सके। उसके बाद अगर नहीं उड़ता है तो वो कैंसिल हो गया। दूसरी चीज़ें हैं, 100 मीटर वाला भी मसला है। अगर आपका परिंदा 100 मीटर के दायरे में बैठता है तो काउंटिंग के दायरे में, अदरवाइज वो भी कैंसिल है। 8 में काउंटिंग कितना है? दूसरी चीज़ है, नहीं सारा काउंटिंग है, 8 का 8 परिंदा काउंटिंग है। दूसरी चीज़ें ये है कि मसला काफ़ी आता है, किसी के छत पर उड़ान होता है तो कुछ सपोर्टर्स भी आते हैं, जज कुछ बोल रहा है सपोर्टर्स कुछ बोल रहे हैं, इसका वजह से भी विवाद होता है। तो जज का यही काम है फोकस करें कबूतर पे, जिस तरह से नीचे से ऊपर किया है उसी वे में आना और वो कबूतर को ही फोकस करें। अगर किसी का परिंदा को कोई बाज मार रहा है तो जज उसको देखते रहे कि भाई बाज मार रहा है, वो नीचे गया है और नीचे से लौट रहा है। ऐसा ना हो कि अभी नीचे गया 2 घंटा का बाद लौट रहा है, तो इस तरह का फिर विवाद का घर है। इसलिए जज का यही काम है भाई कि परिंदे पे बराबर फोकस करे कि किसी का साल भर का मेहनत है, एक फैसला टॉप से बॉटम आ जाता है, एक गलत फैसला। इसलिए दूसरी चीज़ें ये हैं, बारिश वाला अगर उड़ान के दौरान बारिश आ जाता है तो उसका भी वो 45 मिनट का टाइम है। बारिश छूटने के बाद अगर परिंदा कुल कुल के आ जाता है तो वो भी काउंटिंग है। बारिश के दौरान ना परिंदा आदमी कौन सा जज खड़ा रहेगा पानी में, बताइए। नहीं है उसके पहले वाला रूल में जज पानी में भींग के कबूतर देखेगा बारिश में, वही तो पूछ रहे पानी नहीं देख पाएगा छूटने का बाद। वही चीज है ना, अगर पानी के दौरान कबूतर नहीं आएगा, कबूतर खुला हुआ है पानी एकदम तेज हो गया, कबूतर दबाते दबाते एकदम नीचे आई घर में बैठी गिनती है ना, हम लोग नहीं देखे तो नहीं है वो तो कोई जज नहीं देखा, बोले हम नहीं देखे पानी छूटने का बाद बाहर निकल रहा उसका बाद दिया जाएगा दूसरी चीज है बारिश का और वो जो नीचे से आने वाला यही दो बड़ा मसला है और मसला वो सपोर्टर्स वाला भी है। जज को कोई छठ पार्टी आके कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई आदमी दिखाता है क्योंकि एक दफा हम भी एक चीज को झेले हैं, कबूतर एक आदमी का जो है 9:20 में सब बैठ गया, नाम नहीं लेंगे किसी का। उसके बाद हमको दिखा रहा है, और देखिए
वो दूसरा आदमी दिखा रहा और देखिए अब हम इधर देखें कि उधर देखें, लास्ट में हमको बोलना पड़ गया भाई कि थोड़ा जो है इसको कंट्रोल करिए।